Hello everyone, I am your next teacher Himani Dhiman Jindra, and today we learned lot of things from the book Tiny Tots Mathematics Skill Book Pre-Primer from the Acknowledge series of Amit Publication. And today we will learn about the money. बच्चों आप सबने पैसे देखे होंगे, मनी देखा होगा, है ना। आप सब मम्मा पापा के साथ मार्केट जाते हैं, मार्केट से आप लोग चॉकलेट्स लेते हैं, चिप्स लेते हैं, आइसक्रीम्स लेते हैं। तो आपने ध्यान दिया कि आपके मम्मा पापा आपको कैसे दिलवाते हैं ये सब चीजें? फ्रॉम द मनी, पैसों से दिलवाते हैं। तो आप सबने नोटिस करा, आप सबने अपने घर पे देखा कि 10 रुपीज 20 रुपीज कैसे दिखते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे मनी के बारे में। We buy and sell different kinds of things with the help of coins and currency notes। हम कुछ भी जब बेचते हैं, जब सेल करते हैं, और बाय जब खरीदते हैं, तो हम किससे लेते हैं, किसकी हेल्प से ये सब चीजें लेते हैं? मनी की हेल्प से। एंड दिस इज द साइन ऑफ इंडियन करेंसी, दिस इज द सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी। दिस इज 1 रुपी, दिस इज 2 रुपी, दिस इज द कॉइन ऑफ 5 रुपी, 10 रुपी एंड 20 रुपी। और ये सब क्या है? ये सब भी रुपीज है। 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी। ये कितने रुपीज का नोट है? 20 रुपीज का नोट है। 20 रुपीज, 50 रुपीज आप सबने अपने घर पे देखा होगा मम्मा पापा के पास में, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज। और आप सब ये देखते होंगे कि नोट्स के ऊपर भी रुपीज मेंशन होते हैं। लाइक आप देखेंगे इस नोट पे क्या लिखा है, 20 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 50, 100, यहाँ पे कितने लिखे हैं, 100, 200, आप सब देख रहे होंगे यहाँ पे भी 500। नाउ मैच द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब आप सब यहाँ पे देख रहे होंगे कितने रुपीज है ये, 200 रुपीज। तो हम सबसे पहले रुपीज का साइन बनाएंगे लाइक दिस, और यहाँ पे लिखेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, रुपीज 200, राइट? रुपीज, अब आप सब बताएंगे, यस यू ऑल आर राइट, रुपीज 5050। आप सबको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आप सब बताएंगे यहाँ पे कितने लिखे हैं, रुपीज 5, रुपीज 20। दिस इज द सिंबल ऑफ रुपी, आर इंडियन करेंसी, 2020। एंड दिस इज द नोट ऑफ 500, रुपी 500, 500। And this is the rupee of 100, 100. Read the tag of each object and take the coin note you need to buy it. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे टैग्स हैं according to the objects. अब हमें वो सब सामान क्या करना है, बाय करना है, खरीदना है। तो हम देखेंगे टैग के अकॉर्डिंग कि टैग पे कितने रुपीस मेंशन किए हैं, हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम पिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हैट, राइट? और हैट पे कितने रुपीस का टैग है, 50 रुपीस का टैग है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 50 रुपीस कौन सा है, ये है क्या 50 रुपीस? No, this one? No, yes, you all are right. 50 रुपी का नोट कौन सा है, ये है 50 जिसपे लिखा है। Now, next object is kite, and kite is for 10 rupees.
तो आप देखेंगे इसमें कॉइन कहाँ पे है 10 रुपीज का। यस यू ऑल आर राइट, 10 रुपीज का कॉइन कहाँ पे है, ये है। नाउ दिस इज द वॉच, रिस्ट वॉच, ये कितनी है, 1 रुपए की है। तो आप देखेंगे 1 रुपए कौन सा है इसमें, ये वाला है क्या 1 रुपए? नो, दिस वन, नो, यस यू ऑल आर राइट, दिस इज द रुपी 1 कॉइन। नाउ लास्ट ऑब्जेक्ट इज फ्लूट, बांसुरी जिसको बोलते हैं, ये कितने की है, 500 की है। तो हमें देखना है इन नोट्स में से 500 का नोट कौन सा है, दिस वन, नो, दिस वन, यस यू ऑल आर राइट, दिस इज द 500 नोट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द करेंसी नोट्स एंड कॉइंस विद देयर वैल्यूज, हमें क्या करना है, हमें मैच करना है करेंसी नोट्स को उनकी वैल्यू के साथ। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जाम्पल हमारा किया हुआ है, 200 रुपीज नोट। अब देखेंगे यहाँ पे 200 रुपीज नोट कहाँ पे है, ये बताओ, तो हमें क्या करना है, मैच करना है। नाउ नेक्स्ट इज 500 रुपीज नोट, वेयर इज 500 रुपीज नोट, दिस इज द 500 रुपीज नोट, एंड रेस्ट ऑफ द मैचिंग यू ऑल हैव टू डू इन योर होमवर्क। नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कॉस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इज गिवन बिलो, अब हमें यहाँ क्या दिया है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उनके प्राइसेस दिए हैं, लाइक पैरेट इज फॉर 8 रुपीज, मैंगो इज फॉर 6 रुपीज, ऑरेंज इज फॉर 2 रुपीज, अ बॉक्स इज फॉर 1 रुपी, बर्ड इज फॉर 3 रुपी, एंड आउट इज फॉर 5 रुपी। How much money do you need to buy the following? अब हमें क्या करना है, जो हमने अभी ऑब्जेक्ट्स के prices देखे थे, हमें उसके अकॉर्डिंग ये सम सॉल्व करने हैं। लाइक हमारा पैरेट कितने का था, हमारा पैरेट था 8 रुपीज का, राइट, और हमारा ऑरेंज कितने का था, हमारा ऑरेंज था 2 रुपीज का। सो 8 + 2, तो हम कैसे करेंगे 8 + 2, With the help of strokes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और यहाँ पे कितने हैं, 2, 1, 2. So 8 + 2 = 10. Now here are the 2 birds, right? तो हमारी ये वाली bird कितने की है, हमारी ये वाली bird है 3 rupees की, and owl is for 5 rupees. So firstly we have to make the strokes, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Now we have to count the strokes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now rest of the exercise you all have to do in the homework. This is your homework. Thank you everyone and stay excited for plan of another video.